हेलो स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमको यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, है ना। इस क्वेश्चन में हमारे पास तीन क्वेश्चन है, तो इसका हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 135 एंड 225, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके आपको क्या करना है, 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में हमको देखना है कि आपके पास स्मॉलर नंबर कौन सा है। हेयर हमारे पास 135 स्मॉलर देन है किससे, 225 से। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में अब यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगाएंगे। देखेंगे यहाँ पे अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 135 एंड 225, है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करते हैं। देखिए बेसिकली होता क्या है, ये एचसीएफ फाइंड करने के हम छोटे क्लासों में एक बार पढ़ भी चुके हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने पहले पढ़ा जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं वही होता है। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हम इसमें डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया, 225 में डिवाइड किया किससे, 135 से, क्योंकि ये स्मॉलर देन है इसी से डिवाइड होगा। तो देखिए 135 से कितनी बार में डिवाइड जाएगा, देखिए 135 से यदि हम एक बार में करेंगे 135, टू बार यदि करते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 270, तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं एक ही बार करते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 135 डिवाइड माइनस करेंगे तो ये ज़ीरो, हमारे एक कैरी लेंगे 12 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 90, और 1 में से 1 गया तो हमारे पास 0। अब देखिए तो ये हमारे रिमाइंडर आ गए 90। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पहले हम पढ़ चुके, तो उसी फॉर्म में हमको इसको लिखना है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो a हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है ना। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए a हमारा क्या होता है, 225 डिविडेंड, तो हम इसको लिख लेते हैं 225 इक्वल टू क्या होता है b, तो b क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, 135 इंटू कोसेंट, कोसेंट हमारा 1 आया और प्लस में रिमाइंडर कितना आया, 90। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यही प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता। तो देखिए इसी को यदि हम आगे करते हैं तो हमारे पास ये 135 यहाँ जाएगा, 135 डिवाइड करेंगे क्योंकि 90 से 1 बार में करते हैं 90, 2 बार में 180 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम 1 बार करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। माइनस करेंगे कितना, 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ से 3 में से नहीं जाएगा कहीं, 13 में से 9 हम माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास, 45। तो सिमिलरली फिर आगे हम लिखेंगे, तो अब हमारे पास आप डिविडेंड क्या है, 135, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 135 किससे डिवाइड किया था हमने, 90 से, कितनी बार, कोशेंट हमारा 1 है और रिमाइंडर कितना आ गया, 45। तो अब हम और आगे करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास आप किस में डिवाइड करेंगे, 90 में। तो अब देखिए 90 में 45 टू जा कितना होता है हमारा, 90, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 90 है हमारे डिविडेंड, कोसेंट हमारा 45 है इंटू, सॉरी डिवाइजर हमारा 45 है, कोसेंट 2 आया हमारा और रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो देखिए जब तक आपको ये स्टेप करती रहनी जब तक कि हमारे पास 0 यहाँ पे ना आ जाए। तो अब देखिए जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, हेयर रिमाइंडर इक्वल टू 0 हमको मिल चुका है, तो हम लिखेंगे सो दैट एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इस क्या होगा हमारा, जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर बचता है लास्ट में वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एचसीएफ रहेगा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 45। तो यही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आप रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।